नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेम की शक्ति में। दोस्तों, साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगने वाला है। यह कब लगेगा, क्या है इसके प्रभाव, यह सब जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे जल्द आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण अगले महीने 30 नवंबर को लगने जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। इस साल 2020 के नवंबर महीने में आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में होगा। उपछाया से पहला स्पर्श 30 नवंबर 2020 को दोपहर 1:04 पर है। परमग्रास चंद्र ग्रहण 3:13 पर है। उपछाया से अंतिम स्पर्श 5:22 पर है। इस बार लगने वाले चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा। ग्रहण से पहले चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में प्रवेश करता है, जिसे उपछाया कहते हैं। इसके बाद ही चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश करता है, तब वास्तविक ग्रहण होता है। लेकिन कई बार चंद्रमा धरती की वास्तविक छाया में जाए बिना उसकी उपछाया से ही बाहर निकल आता है। तब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया न पड़कर केवल उसकी उपछाया मात्र ही पड़ती है, तब उपछाया चंद्र ग्रहण होता है। इसमें चंद्रमा के आकार में कोई अंतर नहीं आता। इसमें चंद्रमा पर एक धुंधली सी छाया नजर आती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रेम की शक्ति से। धन्यवाद।